हमारे साथ नए मानव संसाधन राज्य मंत्री हैं संजय धोत्रे, जो कि अकोला से लगातार चौथी बार सांसद बनकर के संसद में आए हैं, मोदी सरकार में मंत्री हैं। सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको राज्यसभा टीवी। धन्यवाद सर। शिक्षा के क्षेत्र में किन किन प्राथमिकताओं को लेकर के आप जनता के बीच में जाएंगे? शिक्षा के लिए एक तो नई जो शिक्षा नीति है उसका अभी ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार है, उसकी समीक्षा की जाएंगी, कुछ लोगों से सजेशन लिए जाएंगे और उसका जो कार्यान्वयन है उसके लिए हमारा प्रयास रहेगा। क्योंकि करीब करीब 30 साल से ज़्यादा हुए, उसमें कोई पुरानी जो शिक्षा नीति थी उसके ऊपर ही हम काम कर रहे थे, लेकिन आखिरी जो कोई भी जो नीति रहती वो कोई एक स्टैटिक नहीं रह सकती, उसमें बदलाव आते रहते, इसलिए इसमें भी बदलाव जरूरी थे। तो उसका क्रियान्वयन और शिक्षा जो है उसके कई मायने भी बदल गए, बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई, तो वो हिसाब से इसका इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत ज़रूरी है। और शिक्षा में जो उसकी क्वालिटी है, जो स्टैंडर्ड है, उसको भी ऊपर उठाना है, क्योंकि बहुत सारा डायल्यूशन कई जगह हुआ पिछले 5 साल में, सरकार ने उसके खिलाफ कठोर कदम भी उठाए, तो वो भी काम हमें करना है। सर, चूंकि HRD मिनिस्ट्री एक बड़ा अहम और कॉम्प्रिहेंसिव मंत्रालय माना जाता है, तो अपने लिए कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं इसको आप? नहीं, ये हमारे सबके लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि HRD जो है, मानव संसाधन विकास, ये सभी चीज़ों से जुड़ा हुआ है। हम जन्म लेते और अंतिम सांस लेते वहाँ तक इसका संबंध है। सर, जो पुराने आपके मंत्री थे वो लगातार, मुझे याद है कि वो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की बात कर रहे थे कि अब ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड की हम बात कर रहे हैं, किस तरीके से डिजिटल इंडिया को हम शिक्षा से कनेक्ट करेंगे, तो उसके लिए क्या रोड मैप है आपके पास? उसका कुछ काम, उसकी शुरुआत तो हुई, लेकिन वो काम सिर्फ सिम्बॉलिक रूप में कुछ जगह हुआ, उसको हमको पूरा जनरलाइज करना है, क्योंकि कुछ गाँव ऐसे है कि वहाँ पर डिजिटल क्लासरूम तैयार हुए, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा। कई जगह तो मैंने ऐसा देखा कि उसमें बच्चे भी पढ़ते और हमारे जो बुजुर्ग है वो भी वहाँ पे पढ़ने को जा रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राज्यसभा। धन्यवाद। धन्यवाद। तो मंत्री जी का साफ मानना है कि अभी अभी इन्होंने चूंकि चार्ज लिया है और नई एजुकेशन पॉलिसी भी ड्राफ्ट हो गई है, पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति लाने के लिए पूरी तरीके से प्रयासरत हैं। कैमरामैन जितेंद्र के साथ मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा TV, दिल्ली।